आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सोशल मीडिया पर हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं, फिर चाहे वह किसी की मदद से जुड़ा हो या अधिकारियों को डांट फटकार का। लेकिन इस बार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपने हाथों से चार पहिया का ठेला धकेलना खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ऊर्जा मंत्री सिंह तोमर सुबह की सैर पर निकले थे और क्षेत्रवासियों से मिलने शहर के स्टेट बैंक चौराहे से गुजर रहे थे। तभी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को वहां से एक ठेला चालक रघुवर पाल अपने चार पहियों के ठेले को लेकर गुजरता हुआ नजर आया। फिर क्या था, इस कड़ाके की सर्दी में बुजुर्ग को चार पहिए का ठेला धकेलते हुए देखते ही मंत्री जी उसकी मदद के लिए पहुंच गए और दोनों हाथों से चार पहिए का ठेला धकेलने लगे। इस बीच उन्होंने ठेला चालक रघुवर पाल की मदद करते हुए उसकी वृद्धा पेंशन भी चालू करवा दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज जब गरीब और असहाय बुजुर्ग रघुवर पाल की व्यवस्था सुनी तो उसके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, तो उनके कोई बच्चा भी नहीं है, तो उनके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तुरंत नगर निगम कर्मचारियों को निर्देशित कर वृद्धा पेंशन प्रारंभ करवा दी। ऊर्जा मंत्री तोमर ने बुजुर्ग को अपने निवास पर भोजन भी करवाया और फिर ऊर्जा मंत्री तोमर ने बुजुर्ग रघुवर पाल के पैर छूकर वृद्धा पेंशन स्वीकृत कार्ड भी दिया। आज एक ही दिन में असहाय गरीब बुजुर्ग की पेंशन प्रारंभ हो गई। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुजुर्ग को हाथ ठेला चालकों के लिए प्रदेश सरकार से मिलने वाले 10,000 की राशि के लिए नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। इस योजना का लाभ बुजुर्ग को दिया जाए। सागर ताल पर रहने वाले बुजुर्ग रघुवर पाल वृद्धा पेंशन पाकर खुश दिखाई दिए और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को धन्यवाद दिया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपनी गाड़ी में बिठाकर बुजुर्ग को घर भिजवाया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने इस तरह के अपने अंदाज के लिए पूरे प्रदेश भर में जाने जाते हैं। तोमर ने कहा कि गरीब और असहाय वर्ग की सेवा करने से उनको मन की शांति प्राप्त होती है। ग्वालियर से आकाश कुशवाहा की ये रिपोर्ट। रघुवर पाल एक बुजुर्ग हैं, वो ठेला चला रहे थे, 60-65 साल के ऊपर के, उम्र ज़्यादा भी हो सकती है। अपने पेट भरने के लिए मैं देख रहा था, वो सवेरे धक्का लेते जा रहे थे। मुझे लगा कि बुजुर्ग का हालचाल भी पूछो, इनका चढ़ाई पे धक्का देके इनका मदद भी करो। ईश्वर ने ये सेवा का अवसर दिया तो ठेला को धक्का भी दिया और ठेला को धक्के देते समय उनके बारे में जानकारी ली। तो रघुवर पाल अपने घर में अकेले रहते हैं तो उनको शासन की योजना के तहत पेंशन मिलनी चाहिए, तो मैंने अपनी गाड़ी भेजी है, उनके कागजात मंगाए हैं तो उनको पेंशन मिल पाएगी। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।